सांस लेना दुभर कर दिया है। धुआं इतना है कि आप इंडिया गेट को दूर से नहीं देख पाएंगे। अब आपको दिखाते हैं आखिर ये आ कहां से रहा है। दरअसल यहां पराली जलाई जा रही है। ये है पंजाब का जिला फरीदकोट। इस जल्दी पराली से निकलता धुआं देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जब हमारी सांस के जरिए हमारे शरीर में जाएगा तो वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हरियाणा और पंजाब में किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। किसान की एक मजबूरी बन गई, उसका जी नहीं करता, ना ही कोई उसका शौक है। अखीरी की है भी वह बंदा तीली ला के आपका मसला हल कर लेंदा तो कणक बीज लेंदा। जे हुण आपां इन्हां दे दावयां दी गल कर लईए ना, हुण किसान ने 10 दिन मेरा ख्याल समथिंग अपने कणक बीजन का जिहड़ा सीजन है। जे हुण इन्हां मगर लोग तुरे फिरनगे तो 10-15 दिन इह नगा देणगे। जे किसी की रौनी की है रौनी चढ़ जूगी, वह कणक कित्थों बीज लूगा। इस करके किसान दीआं मजबूरियां, कोई उहदा शौक नहीं। सब तो पहला किसान आप विच आउंदा, फिर उहदा बंदे जिहड़े लेबर आ उह विच आउंदी, फिर उहदा परिवार विच आउंदा, फिर दुनियादारी दे विच अगे प्रदूषण है जिहड़ा जांदा। इस करके सरकार नूं इक बेनती है भी इहदा तरीके नाल इहदा कोई हल कढ़न। कल्लियां गल्लां बातां ना चाड़न, गोंगड़ूआं तों मिट्टी ना चाड़न, किसानां दी सही हकीकत दे विच वाह फड़न ते किसानां दा जिहड़ा मसला हल हो सके। इस धुएं से होता प्रदूषण बड़े और बच्चे दोनों के लिए ही हानिकारक है। हम इंडिया गेट घूमने आए हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो गया है और यहाँ पे हमें इंडिया गेट दूर से भी नहीं दिख रहा है। पहले इंडिया गेट 2 किलोमीटर दूर से दिख जाता था, अब इस वायु प्रदूषण कारण वो दिख नहीं रहा इंडिया गेट। तो हमने इससे बचने के लिए मास्क लगाया है। हर साल ये पराली जलती है और हवा को दूषित करती है, लेकिन इसका हल निकलना नामुमकिन सा होता जा रहा है। किसान भी परेशान है और जनता भी परेशान। आखिर इस धुएं का करें तो करें क्या।